ले के लिए निकल चुके हैं अभी बस में, अभी बीच में रुके, 5 मिनट का स्टॉप है ये जगह सा। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड भाई, सीन सीन सीन। भाई सीन देखो यार, क्या प्यारा है यार, सीरियसली। वहाँ नदी बह रही है छोटी सी, और उधर पहाड़ है बर्फ के पूरे, उधर देखो बादल वाले पूरे। ये की रास्ते से निकालो, इसे सेट करो पहले। कैसी रोड चाहिए बता, तो दुनिया भी सुनेगी भाई। इतना टूरिस्ट हम है, मैं रखता हूँ बंदूक की, भी वो है गवर्नमेंट यहाँ की, उनको बताना चाहूँगा मेरी फटी पड़ी है, मुझसे ना हो पाएगा। ले के रास्ते हैं भाई, बीच में रुके हुए हैं अभी। सुपर सीन भाई, सुपर सीरियसली, सो ही कहते हैं जिंदगी जिंदाबाद। हम लोग मतलब अभी लद्दाख से 180 किलोमीटर दूर है भाई। यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, मतलब दिख नहीं रहा होगा लेकिन हल्का हल्का वाइट वाइट दिख रहा होगा, स्नोफॉल है। अभी हम लोग लद्दाख पहुँचने वाले थे, बीच में गांव में मिरू में आ रहे थे, एकदम से भाई गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वहाँ देखो सब खड़े हुए हैं ऑक्साइड। हम लोग यहाँ भाई, बहुत सुंदर नदी थी, यहाँ पे आ गए, उधर ही खड़े हुए हैं अभी। भाई पहाड़ देखो भाई, रेड कलर की हो रहा है वो, देखो भाई वहाँ से, आई डोंट नो वहाँ से दिख रही होगी। अगर कलर दिख रहा होगा तो इधर ग्रीन है, इधर रेड है, और वो देखो पूरा वैली के अंदर। यहाँ पे अभी हमारी बस का टायर बस्ट हो चुका था और पंचर हो गया था, फिर हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे फंस गए। और फिर अभी काम चल ही रहा है, ये ख़त्म होगा इसी के बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग ले पहुँच चुके हैं, ये देखो राइडर सब जा रहे हैं। अभी अभी हम लोग सिर्फ अभी बाइक रेंट करेंगे अभी अपनी, फिर मार्केट जाएंगे। गली गलों से होते होते हमें पता नहीं था कहाँ से आना है, गली से घूमते हुए भी ले मार्केट आ चुकी है, बहुत मतलब डिसेंट मार्केट है। अभी रात को और दिखाइए, अगर रात को अगर आने का बनता है तो। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8-9 बज रहे हैं, अभी मार्केट बंद है।
घूम लेते हैं ऐसे। अभी हम लोग अंदर गली गली जाने हैं। तो हम कुछ ले लेंगे, छोटा बैग लेंगे बस। भाई ये लेगा भाई वो कार स्टैंड है, देख लो। अभी थोड़ा सा रिनोवेशन चल रहा है क्योंकि अभी सीजन चल रहा है ना टूरिज्म का पूरा। गाड़ी पे लाया ही यार, बाइक राइड करके आ रहे हैं। तुम्हें संगम दिखाई दे, ओ भाई पानी देख रहे, पानी दो पानी मिल रहा है इधर, ये पूरी वैली जा रही है। हम लोग अब मेरी बाइक तो आगे खड़ी है, ये लोग किधर है। तीन रिवर्स हैं, जो लेफ्ट से जा रही है ये क्रिस्टल ब्लू वाली इंडिया की, राइट से जा रही है चाइना की, और जो सामने जा रही है ये है पाकिस्तान की। तो जो तीन दो नदियां हैं मिलके पाकिस्तान जा रही है, तो भाई यही है ब्यूटीफुल नेचर। भाई अभी बहुत ही दर्द पास में बैठे संगम के नीचे, लेकिन अभी बोटिंग करने जाते हो रही बंद हो गई। देखो भाई बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा ही सुंदर। मेरा ऑक्सीजन की बहुत इधर लैक हो रहा है, हम लोग बहुत हाई एल्टीट्यूड में, इसमें ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, सुनने में आप लोगों को और सांस फूल गई। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड, आप देख सकते हैं पहाड़ बहुत सुंदर है। और जैसा हमने सुनने में आया है कि जैसे लोग कहते हैं कि इधर मतलब जो पहाड़ है
इधर बाइक गाड़ियों को अपनी और खींचते हैं, तो मतलब गाड़ियाँ जो अपने आप ही चलती है, तो अभी ट्राई करेंगे, होगा तो होगा वरना ठीक है भाई चलते हैं आगे। तो भाई अभी लेके मतलब पेंगोंग के रास्ते में देख लो भाई पूरे पूरे ब्लॉग में नहीं साउंड के शॉर्ट्स कट कर दूंगा मैं शॉर्ट्स कट गाने वाले जो कट 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 भाई बहुत सुंदर एंजॉय हमारे साथ सब सीरियसली भाई अभी हालत खराब हो चुकी है, हम लोग खरदुंगला पहुंचने वाले हैं और भाई कुछ पूछो मत, लेकिन सीन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोग चल रहे हैं भाई, देखते जाओ आगे। कांगला पास पहुंच चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी हम लोग फ्लैग लगा रहे हैं अपना, चलो तो हमें दिखाते हैं कांगला पास का कैफेट एरिया है अभी। मैं दूंगा नहीं पहले बता रहा पीछे लिखा हुआ चांगला फिर हम तो चांगला कैफेटेरिया बहुत ज़्यादा ठंडा है, जितना इजी समझा था बहुत ज़्यादा हार्ड है। अभी हम लोग का एक्सीडेंट होते होते ही बचा था, हम लोग की गाड़ी स्लाइड हो गई थी, फिर भी भाई हम लोग ऊपर तक आ गए, देखते हैं अब आगे। गाड़ी पूरी एकदम डाउन चली गई थी, भाई जितना रास्ता आसान दिखता उतना है नहीं, ये लोग पीछे देखो पीछे पेंगोंग लेक है, देख लो भाई सारी शक्ल दिखा रहा है भाई पेंगोंग, ये भी पता नहीं दिख रही भाई, बहुत प्यारा सीन है। साफ पानी है यार, यही हो जाएगी यहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी रैंच। इसकी डेंसिटी इतनी है कि अगर चाहे जितना भी तैरना तो भाई डूब ही जाओगे, और ये पानी चाइना यहाँ से चाइना से 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर अगर यहाँ पर डूबे भाई साहब सीधा चाइना में आपकी आपकी बॉडी मिलेगी यहाँ मिलने वाली। हाँ भाई तो मैं थोड़ा बहुत पेंगोंग छोटा सा पॉइंट बना था, आगे एक ब्रिज जाने के साथ नेचुरली बना हुआ है, चलते हैं। Thank you.
अरे यार मत है। तो अभी हम पेंगोंग के रेस्टोरेंट में, उसका नाम है क्या नाम है रेंचो, उसकी लोकल डिश दिखाते हैं हम आपको। अरे कांगी पता नहीं दिख भी रही चुतागी। भाई यहाँ की तो लोकल डिश है स्कू और चुतागी, तो मैं भी ट्राई करते हैं अभी चुतागी। वही कहा मुबारक हो।